आई हैव ऑलवेज बीन एन एंड्रॉइड फैन गर्ल, लेकिन WWDC में एप्पल ने इतने क्रेजी प्रोडक्ट्स निकाल दिए कि मेरा मन कर गया मैं अपनी किडनी बेच दूं। लेकिन मैंने रियलाइज करा कि मेरी खाली किडनी बेचने से काम नहीं चलेगा, तो मैंने यू टर्न ले लिया और मेरे पास जो आईफोन है मैंने उसमें iOS अपडेट्स निकाले, मैंने उसका बीटा वर्जन डाउनलोड कर लिया और मैंने उनको ट्राई आउट किया। तो अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको भी बताऊँ डिटेल में iOS अपडेट्स के बारे में। मैंने ऐसे कुछ 5 फीचर्स निकाले हैं, चलिए जानते हैं उनके बारे में। तो पहला है कॉन्टैक्ट पोस्टर, जिसमें आप किसी के भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में उसके पिक्चर को कस्टमाइज कर सकते हो, उसमें मीमोजीज ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट लगा सकते हो और आप फिल्टर्स भी ऐड कर सकते हो। बहुत ही कूल सा एक पोस्टर, कॉन्टैक्ट पोस्टर आपका तैयार हो जाएगा। अब इमेजिन करो अप्रैल फूल्स डे पे कोई यही प्रैंक पुल करने की कोशिश करे आप पे, जैसे कि जानवर का पिक्चर लगाकर आपकी फोटो पे या कुछ भी। आई मीन इट्स अ वेरी कूल फीचर, यूज करो और बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको ये कैसा लगा। आपको याद है आईफोन में एक फीचर होता था जिसमें आप कोई भी पिक्चर कॉपी करके कहीं भी किसी को भी सेंड कर सकते हो। एप्पल टुक दिस फीचर वन स्टेप अहेड। यहाँ पे क्या करना है कि आप लाइव स्टिकर बना के भेज सकते हो अपने पिक्चर का। इसको आप आई मैसेज, इंस्टाग्राम और आप इसको व्हाट्सएप पे भी। डू यू यूज फेस टाइम अलॉट? क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ। अगर करते हो तो इसमें भी इन्होंने एक फीचर ऐड कर दिया है लाइव रिएक्शंस, जिसमें आप लाइव मतलब बात करते करते फेस टाइम करते करते लाइव रिएक्शंस ऐड कर सकते हो। बहुत ही कूल फीचर है, लेकिन सैड ये बात ये है कि ये iPhone 12 और उससे ऊपर के जो वेरियंट्स हैं सिर्फ उसी में अवेलेबल है, तो iPhone XS एंड XR। सो iOS अपडेट्स हैव अ लॉट ऑफ प्राइवेसी फीचर्स ऑल्सो, जिसमें से एक है जब भी आप सफारी यूज करोगे तो आप प्राइवेसी टैब पर जाओगे तो वो फेस लॉक्ड हो जाएगा, विच मीन्स व्हाटएवर यू आर स्क्रोलिंग, व्हाटएवर यू आर वॉचिंग ऑन योर सफारी कैन बी फेस लॉक्ड नाउ। अमेजिंग राइट? नाउ नेक्स्ट वी हैव द कूलेस्ट iOS फीचर, द स्टैंड बाय मोड, जिसके बारे में शायद आपने पहले सुन लिया हो और मैं बता देती हूँ आपको उसके बारे में। तो इसमें होगा क्या, जब आप अपने फोन को चार्जिंग पे लगा के हॉरिजॉन्टल मोड में रखोगे तो वो एक क्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें आप क्लॉक कस्टमाइज कर सकते हो, आप उसमें डेट्स कस्टमाइज कर सकते हो, टाइम कस्टमाइज कर सकते हो, उसका कलर भी चेंज होता है। एक्चुअली देख लो, खुद ही देख लो। इसमें भी थोड़ा सा इशू है कि ये iPhone 14 पे परफेक्टली चलता है, लेकिन उससे नीचे के जो वेरिएंट है उसमें आपको बार बार 20 सेकंड के बाद टैप करना पड़ेगा स्क्रीन पे ताकि ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहे। एंड दीज वर ऑल द फीचर्स दैट आई कुड गेट इन iOS 17 अपडेट्स। आप यूज करो और बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में आपका कौन सा फेवरेट है। मेरा फेवरेट है स्टैंड बाय मोड। बाकी मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, अपना प्यार बनाए रखिए। दिस इज वंशिका साइनिंग ऑफ, बाय।